दादा ये बताइए कि आप यहाँ पर रहते हैं तो त्योहार मनाते होंगे, दिवाली होली सब, दिवाली होली मना पाते हैं या फिर नहीं मना पाते? कभी कोई दिक्कत हुआ है तो होली दिवाली मनाने में? क्यों ना छी दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, एक और बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक जगह से। आप सोचेंगे ऐतिहासिक क्या होगा इसके बारे में, कोलकाता का एक बिजी चौराहा है, इससे ऊपर क्या है? लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक बिजी चौराहा नहीं है, इस चौराहे का नाम है पार्क सर्कस। इस एरिया को कहते हैं पार्क सर्कस। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं जहाँ पर होर्डिंग लगे हुए हैं, वो है एक मैदान। और उस मैदान की भी बहुत बड़ी एक महत्वता है, उसकी भी अपनी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ये है कि जितने भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, आंदोलन होते हैं, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, वो सारे इसी पार्क सर्कस के मैदान से शुरुआत होते हैं। पीछे एक ग्राउंड भी है जहाँ पर बच्चे खेलने आते हैं। और ये वही मैदान है जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था और ये बताया था कि इस मैदान के अंदर एक मस्जिद भी है जहाँ नमाज होती है, और साथ में एक पंडाल भी लगा हुआ है जहाँ पर देवी देवताओं की पूजा होती है। दोनों ही चीज़ें साथ में चलती हैं, हिंदू मुस्लिम यहाँ पर कोई मसला है नहीं। अब इस मैदान के साथ, इस मैदान को तो आपको आगे चल के दिखाएंगे, लेकिन ये जो चौराहा है पार्क सर्कस का, यहाँ से ट्राम बन के चलता है। मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे, ये सड़क पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये ट्राम की पटरियाँ हैं और यहाँ से ट्राम बन के जाता है और काफ़ी अलग अलग जगहों पर ट्राम जाती है। तो हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश क्या रहेगी कि यहाँ से इस चौराहे से हम ट्राम पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी दूर हम ट्राम में जा सके जाएँ। लेकिन ट्राम में चढ़ के ऐतिहासिक चीज़ तो आपको दिखाएंगे, एक ऐतिहासिक दिखा दी, दूसरी ऐतिहासिक यानी कि कोलकाता की ट्राम, वो ट्राम जिससे अगेन कोलकाता की फ़ोटोज़ जब आप देखते होंगे, वीडियोज़ देखते होंगे, तो ट्राम ज़रूर दिखती होगी। और ये ट्राम कब की है, अंग्रेज़ों के ज़माने की ये ट्राम है। उस ट्राम में चढ़ के ये पीछे से जा रही है और आ भी रही है, शायद आप एक बार देखिए, एक बार ज़रूर दिखाइए ट्राम जा रही है उधर। इस ट्राम में चढ़ के, ऐतिहासिक चीज़ तो है ट्राम, लेकिन ट्राम में चढ़ने के बाद मैं एक बार कोशिश करूँगा कि ट्राम के लोगों से हम एक सवाल पूछे, क्योंकि दो दिन में दो बार ऐसे बयान मेरे सामने आए हैं कि एक बार अमित शाह ने बोला है कि यहाँ पर हिंदुओं को त्यौहार मनाने में दिक्कत होती है, और एक बार कल फिर से योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात बोली है। तो क्या करेंगे, ट्राम में चढ़ेंगे, जितने भी लोग होंगे उनसे ये पूछेंगे, खासकर से हिंदुओं से पूछेंगे कि क्या उनको त्यौहार मनाने में यहाँ पर कलकत्ता के अंदर या फिर बंगाल के अंदर किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ का कोई इशू सामने आता है, अगर हाँ तो क्या इशू, और नहीं सामने आता तो आखिरकार नेता इस टाइप की बातें क्यों कर रहे हैं। यही चीज़ रख के, यही चीज़ सवाल लेकर हम अभी यहाँ से ट्राम पकड़ेंगे। ट्राम मैंने देख लिया है, पहले मेरा प्लान ये था कि यहाँ पर जो पुलिस वाले खड़े हैं उनसे पूछूँ कि ट्राम कहाँ से चलती है, लेकिन अब मुझे थोड़ा समझ आ गया ट्राम इधर सामने से जाएगी। तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं ट्राम में चढ़ूँगा, ट्राम रोकूँगा, ट्राम में चढ़ूँगा और ट्राम के अंदर से आपको वीडियो दिखाऊँगा। दोस्तों पहुंच चुके हैं इस टाइम पर हम कोलकाता की ऐतिहासिक ट्राम में। आप देख सकते हो, मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आपको पूरा आगे तक दिखे ट्राम के अंदर कैसा होता है ट्राम। और ये पुराना ट्राम है, ये कोई अभी क्या है, नए ट्राम भी चलने लग गए हैं इलेक्ट्रिक वाले भी, ये पुराना बिल्कुल ट्राम है जिसमें पुराने पंखे लगे हुए हैं, पुरानी बीच में बल्ब लगे हुए हैं, और आप देख कर ही कह सकते हो, लेकिन फिर भी ठीक से इसको, अच्छे तरीके से इसको कंडीशन में रखा गया है, ये चालू हालत में है प्रॉपरली। और बाहर से भी मैं एक बार कोशिश करूंगा आपको दिखाने की ट्राम एग्जैक्टली कैसा लगता है, क्या लगता है। एक बार उतर के भी आप कैमरामैन दिखा सकते हैं, आगे भी जाके दिखा सकते हो, अभी तो मेरे ख्याल से देर में चलेगा। जाओ जाओ जाओ, आगे जाओ, कुछ नहीं, आगे से दिखा सकते हो, आगे से ट्राम को दिखाओ। और ये एग्जैक्टली ट्राम का जो फसाड है, आगे से आप देख सकते हो कैसा है। और ये यहाँ पर मैं आपको खड़ा हुआ दिख ही रहा हूँ ऑब्वियसली ट्राम के अंदर। ये दो डब्बों वाला ट्राम है, पीछे भी इसमें एक डब्बा है और आगे भी डब्बा है, हर रेड लाइट पर रुकती है। और जैसे कि हमने सोचा था ट्राम में चढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक सवाल पूछेंगे, यहाँ से हम जा रहे हैं अभी पहले एस्प्लेनेड, धर्मतला कहते हैं उसको हिंदी में, वहाँ से एक ट्राम हमारे को मिलेगा जहाँ पर भीड़ जिसमें होगी, जिस रूट पे भीड़ थोड़ी ज़्यादा होगी, तो हम उस रूट पे कोशिश करेंगे सवाल पूछने का। यहाँ पर हम आपको ट्राम के बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं और देखते हैं कि जो हमारे दादा हैं ट्राम वाले, उनको ट्राम के, ट्राम दादा आप कितना पुराना ट्राम होगा ये? एक कम से कम 70 साल, 70 साल पुराना ट्राम है। तो इसका भी पार्ट्स कहाँ बनता है, किधर मिलता है पार्ट? पार्ट्स मतलब ऑर्डर होके आता है, ऑर्डर होके आता है, बहुत जगह पकड़ा हुआ है, जैसे कहीं पर मैंने प्राइवेट में ऑर्डर किया जाता है, वहाँ माल तैयारी करता है, वहाँ से आता है। कलकत्ता में ही बनता है पार्ट? अच्छा, तो पार्ट्स मतलब अब इतना पुराना, 70 से भी ज़्यादा साल पुराना है, पार्ट्स इसके ऑर्डर करने पड़ते हैं,
रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। तो दादा अभी ये मतलब कितने चक्कर मारते हो आप दिन में? वो ड्यूटी आवर्स में 3 टीम होता है, 2 टीम होता है, जैसा हुआ वैसा होता है। और कितने मतलब कितने लोग बैठते होंगे एक दिन में? देखते हैं, तो सामने आपका है, ज्यादा आदमी नहीं बैठता है ट्राम में। लोग अभी आदमी जो है सो जल्द क्विक सर्विस चाहता है, वो लोग बस में चले जाते हैं, ट्राम में कम आदमी उठ रहे हैं। मुझे किसी ने बताया बाहर की भी ट्राम थोड़ा चलना कम हो गया है, तो कब से कम हुआ है ट्राम और क्यों, उसका रीजन क्या है? रीजन है ट्राम को चाहिए सेपरेट लाइन, इसको सेपरेट लाइन नहीं है, माने रोड के ऊपर में रोड छोटा रोड, गाड़ियां बढ़ गई हैं, गाड़ी बढ़ गई है, गाड़ी ट्राम ठीक से खुल के चल नहीं पा रहा है, इसीलिए कि आस्ते आस्ते कम हो गया है। ट्राम कितना पुराना है इसका अंदाजा आपको इसकी आवाज से इस टाइम पर लग रहा होगा। मुझे बोलने थोड़ी तेज आवाज करनी पड़ रही है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ट्राम का इंजन पुराना हो गया है काफी, लेकिन चाम अभी भी नया है। इंजन पुराना है, चाम नया है। दादा ये बता रहे हैं कि ट्राम चलना इसलिए कम हो गया है क्योंकि सड़क पे जो छोटी गाड़ियों की भीड़ है वो ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से क्लियर रोड नहीं मिलता, क्लियर ट्रैक्स नहीं मिलते और ट्राम को चलने में दिक्कत आती है। और जैसे कि दादा ने बताया कि लोग भी कम बैठते हैं अब, उसका रीज़न यही है कि ट्राम ज़्यादा स्पीड पे नहीं चल पाता है ना दादा, ठीक है ना? स्पीड पे इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि रोड पे छोटा ट्रैफिक, छोटी गाड़ियों का ट्रैफिक ज़्यादा है, इसलिए ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं ट्राम की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी हिट करने का काम कर रही है ट्राम। आप जैसे मैंने दिखाया पुराना, दादा कितना ये 70 साल पुराना है सब कुछ इसमें, पुराना पुराना फ़ैन लगा हुआ है। देखिए ये डीसी फैन है, डीसी करंट है। अच्छा ये डीसी करंट वाला फ़ैन है, अच्छा मतलब ये नॉर्मल फैन नहीं है, एसी वाला नहीं? नहीं, डीसी फैन, एक करंट जो है ट्राम डीसी करंट में चलती है। अच्छा तो ऊपर तो तार जो लगा हुआ डीसी करंट का है, करंट है, इसी लेकर के ये पंखा लगा हुआ है। अच्छा ये पंखा जो है ये मुझे अपने नाना जी थे, मेरे इंजीनियर हैं मतलब रहे थे अपने ज़माने में इरीगेशन में, तो उनके यहाँ बहुत पहले उनका एक घर था, उसमें जब हम छोटे छोटे थे उस घर में जो पंखे थे वो कुछ कुछ इस तरीके से हुआ करते थे। शायद आप में से जो लोग बड़े हैं उम्र में वो इससे रिलेट कर पाएंगे बहुत। और घंटी भी लगी हुई है ट्राम में, आगे ड्राइवर का एरिया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पकड़ के इसलिए चल रहा हूँ कि गिर ना जाऊँ कहीं। लेकिन ये अब हम आगे आ गए हैं ट्राम में, और ये हमारे ड्राइवर भैया, एक बार बचाऊँगा कैमरामैन से कि एक बार दिखा दें आगे आके, ये ट्राम का ड्राइविंग एरिया है। ट्राम चलती बिजली से है लेकिन डीसी करंट से चलती है। जैसे कि मैंने बताया कि ट्राम पुराना है 70 साल, लेकिन चाम जो है ट्राम का वो नया है। मैं तो बहुत मतलब उत्सुक था इस ट्राम में बैठने के लिए, और अब जब फाइनली बैठ गया हूँ तो एक अलग सी फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से उसका मज़ा आप भी लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्राम में चढ़ने से पहले हम एक सवाल पूछेंगे, सवाल होगा कि कोलकाता के अंदर, बंगाल के अंदर क्या जो हिंदू लोग हैं उनको अपने फेस्टिवल्स मनाने में दिक्कत होती है या फिर वो आराम से मना पाते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे पूछना, और डेफिनेटली एक किसी खास धर्म के लिए बोली गई थी ये बात, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हिंदुओं से पूछें कि भाई क्या उनको फेस्टिवल्स मनाने में यहाँ पर किसी तरीके की दिक्कत होती है। आपका नाम क्या दादा? सुब्रतो सरकार। सुब्रतो सरकार जी, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर कब से रहते हैं बंगाल कोलकाता में? जन्म से 60 साल। कितने साल से? 60 साल का ऊपर। 60 साल। तो दादा ये बताइए कि आप यहाँ पर रहते हैं तो त्यौहार मनाते होंगे, दिवाली होली सब, दिवाली होली मना पाते हैं या फिर नहीं मना पाते? मना पाता है। कोई तकलीफ आती है मनाने में? तो हेल्प होता है, तकलीफ का कोई सवाल ही नहीं है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं। आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम शेख हलीम। आप भी त्यौहार मनाते हो अपना यहाँ पे? त्यौहार मनाते हैं, सब रात मनाएंगे, इतवार को। कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो नेता लोग तो ये कह रहे हैं कि त्यौहार मनाने में दिक्कत होती है, नेता लोग का अपना धंधा है ये बोल रहा। दादा आपका नाम क्या होगा? दादा क्या नाम होगा आपका? तपन घोष। तपन दादा यहाँ पर आप कब से रहते हैं कोलकाता में? हम तो जन्म हुआ कोलकाता में। तो आपको, आप त्यौहार मनाते हो होली दिवाली, कभी कोई दिक्कत हुआ है होली दिवाली मनाने में? नहीं नहीं नहीं, कभी दिक्कत नहीं हुआ। कभी कोई छोटी मोटी दिक्कत भी कभी हुई हो? नहीं, नहीं, कोई झमेला नहीं हुआ। मतलब कभी झमेला नहीं होता इधर कोलकाता के अंदर? नहीं होता है, हमारा नहीं हुआ। आपका त्यौहार पे कोई झमेला नहीं होता? हाँ, हमारा उधर में कुछ नहीं हुआ। दिवाली होली दुर्गा पूजा सब मनाता है आराम से? हाँ, कोई असुविधा नहीं। दादा आपका नाम क्या होगा? दादा बात करेंगे क्या?
आपका नाम क्या होगा दादा? आपका नाम क्या दादा? उमर। तो दादा यहाँ पर आपको अपना त्यौहार मनाते हो दिक्कत आती है कभी? कभी कभी नहीं, हम लोग आज से नहीं पैदाइश ही यही बंगाल के अंदर में, कभी कुछ नहीं, सब मिलजुल के रहते हैं, हर पर्व मनाते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो सब पर्व है, तो मुस्लिम हर पर्व मनाते हैं। दादा आप मतलब जहाँ पर जाते हो नमाज पढ़ने उसके आसपास कभी पंडाल लगता है भगवान का? कभी कुछ नहीं, किसी कभी लगता भी है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मतलब सब मिलजुल के मनाते सारे त्यौहार मनाते हैं। अभी भी आज शुक्रवार है, आप बड़ी मस्जिद चले जाइए देखिए, सब है बहुत सब, सब मिलजुल के, कोई रुकावट नहीं। अब देखिए नेताओं ने तो ये बात बोली, लेकिन मैं इसलिए सबसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं एक धर्म विशेष के आईने से चश्मे से नहीं देख सकता चीज़ें। यहाँ पर तपनदा थे, यहाँ पर सरकार साहब से हमने दोनों से पूछा, और उसके बाद जो मुस्लिम धर्म के लोग थे उनसे भी हमने पूछा, आगे भी पूछने की कोशिश करते हैं। दादा आपका नाम क्या होगा? नहीं बोल पाएंगे, आपका नाम क्या होगा दादा? अरुण। हाँ अरुण, अरुण। आप कब से दादा रहते हो यहाँ पे? है 10-12 साल से। अच्छा, तो कभी होली दिवाली मनाते हो कोई दिक्कत आता है यहाँ पे? नहीं नहीं, कभी कोई तंग करता हो मना करता हो होली दिवाली मनाते? नहीं नहीं है कोई, मना सब मिल रहा है। आप मनाते हो होली दिवाली? नहीं हम मनाता नहीं, हम मोहम्मदन है नहीं मनाता है। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम बताया? हारून। हारून, हारून बताया आपने नाम। वैसे आप अपना त्यौहार जो मनाते हो, आपके जो मुस्लिम उसमें त्यौहार होंगे वो मनाते हो, कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं, सब मनाते हो, सब मतलब मिलजुल के रहते हैं इधर पे। दादा आपका नाम क्या होगा? दादा आपका नाम क्या होगा? संजय। संजय दादा कब से रहते हो यहाँ? हम यहाँ पर रहते नहीं है। कहाँ रहते? खड़दा में। हाँ खड़दा, वो कहाँ है? ये वो वहाँ पर है, बंगाल में ही है। हाँ। तो आप त्यौहार व्यौहार मनाते हो कभी? क्या मनाते हो? सब मनाता है। क्या होली? बंगाली का होली, होली जो होता है, होली दिवाली दुर्गा पूजा सब मनाता है। तो दादा कभी ऐसा होता है कि त्यौहार मनाने से रोका जाए आपको या मना करते हो कोई? कहाँ मना करता है, मना करने से तो होता है, मनाता है खुशी खुशी से, सब मनाते हैं। हाँ? मुसलमान भी मनाता है, हिंदू भी मनाता है, कोई मतलब यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं है, आपस में मिलजुल के रहते सब। हाँ, मिलजुल के। देखिए तीन चार लोगों से हमने यहाँ बात करने की कोशिश करी, जितने लोग हैं ट्राम में मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, सर ने भी अपनी राय हमारे को बताई, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं बात करना चाह रहे, लेकिन सब लोग चाहे वो जिस भी धर्म के हों, ये इनिशियल ट्रेंड से ही पता चल गया है कि सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, हर धर्म के लोग सारे त्यौहारों को मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जब मनाया जाता है कोई किसी को तंग नहीं करता, किसी से किसी की तरफ से भी किसी को प्रॉब्लम नहीं दी जाती, और सब एक दूसरे का इस चीज़ में साथ देते हैं। तो दोस्तों दिखाने की कोशिश करी मैंने आपको कि आखिरकार ट्राम में जो जनता बैठ के ट्रैवल कर रही थी वो क्या कहती है इस बात के ऊपर, उस बात के ऊपर जो कि अमित शाह ने बोली, और उसके बाद साथ ही उसी सुर में योगी आदित्यनाथ ने भी बोली कि बंगाल के अंदर हिंदुओं को फेस्टिवल्स मनाने में, त्यौहार मनाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को लेकर मैंने सवाल पूछना शुरू करे ट्राम्स में, और आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने बताया कि नहीं, वो कई लोगों ने बताया वो 70 सालों से यानी कि बचपन से ही रहते हैं और यहाँ पर लगातार अपने त्यौहार मना रहे हैं, हिंदू हैं अपने त्यौहार मना रहे हैं। उसी ट्राम में मुसलमान भी ट्रैवल कर रहे थे। मैं ये एक तरफा गेम नहीं कर सकता था, मेरे बस की तो नहीं है भाई साहब, ये जो कर सकते हैं कर लें, लेकिन मैंने दोनों लोगों से पूछा कि क्या दोनों पक्ष के लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है त्यौहार मनाने में। सब तरफ से यही जवाब मिला कि हम लोग यहाँ खुशी खुशी सारे त्यौहार मना रहे हैं, और जब भी कोई अगर कोई मस्जिद के साइड में पंडाल भी लगा होता है तो अपने कोऑर्डिनेशन से हम आपस में आपसदारी से उस चीज़ को कोऑर्डिनेट करके एक सफलतापूर्वक चलाते हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले मुझे, इनफैक्ट आपने देखा भी होगा शुरुआत में ही, जो कैमरा के सामने नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन 99.99% जिन्होंने बात बोली है, जिन्होंने कहा है कि आप जब पूछा गया उनसे कि आपको त्यौहार मनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई हिंदुओं से, उन सब लोगों ने यही बताया कि हमारे को आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई 40 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से, कोई 7 साल से भी यहाँ पर रह रहा है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। मुझे समझ नहीं आता कि ये अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ये कौन से बंगाल की बात कर रहे हैं, ये कौन से वेस्ट बंगाल और कोलकाता की बात कर रहे हैं जहाँ पर त्यौहार मनाने में रोका जाता हो, खासकर से हिंदुओं को रोका जाता हो, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला है। दूसरे भी ट्राम में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे लेकिन कैमरा से बहुत ज़्यादा लोग बच रहे हैं। शायद कुछ लोगों के अंदर ऐसा डर डाल दिया गया है कि अगर आप लोगों ने ये बात बोल दी
कि नहीं दिक्कत नहीं होती, तो आपके साथ पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी चीज़ ना हो जाए, या डराया जा रहा है, मुझे लग रहा है पीछे से कहीं ना कहीं डराया जा रहा है लोगों को, और उस प्रेशर में लोग कैमरे के सामने बात करने से थोड़ा सा बच भी रहे हैं। अब ज़रा आप खुद सोचिए, जो इलेक्शन से पहले आपको इस तरीके से डराने का काम कर रहे हो, आपकी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हो, जो और भी जगहों पे लगातार पूरे देश में दबाते ही रहते हैं आवाज़ को, वो आखिरकार इलेक्शन के बाद आपकी ज़िंदगी को किस तरीके से रूल करने का काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी को किस तरीके से बर्बाद करके छोड़ देंगे, ये आप खुद समझ सकते हैं। एक ट्राम अब सामने आ रहा है, अब इस ट्राम से हम लोग वापस जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारा जो ये एक तरीके से सफ़र था जहाँ पर हमने पूछने की कोशिश करी वो पूरा हो चुका है। वापस जाएंगे पार्क सर्कस जहाँ पर से ये जर्नी शुरू करी थी। चढ़ते हैं ट्राम के अंदर। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो और ट्राम का पूरा सफ़र। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। ये सीरीज़ जैसी भी आपको लग रही है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को यहीं लाइक कर दो। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।